देखिए, अगर आप भी अपना स्टूडियो बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग आपके पास में स्टूडियो है उसमें कुछ अपडेट कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज के टाइम पे जितने ज्यादा वीडियो कंज्यूम किए जा रहे हैं उतना ज्यादा आपकी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का सोचिएगा। मैं आज आपको जिस स्टूडियो के बारे में बताने वाला हूँ पहले उस स्टूडियो को आप देख लो। तो ये जो स्टूडियो आपने देखा इसमें हमने किस मटेरियल को यूज किया, क्या कॉस्ट थी, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया, कैसे स्टेप बाय स्टेप इस स्टूडियो को सेटअप करना है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत सारा नॉलेज आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो में, आखिरी तक बने रहिएगा, आपको भी हेल्प मिलेगी। देखिए, ये स्टूडियो थोड़ा सा कॉस्टली है पर इसको बनाने का एकमात्र मोटिव है अंदर की आवाज बाहर और बाहर की आवाज अंदर ना आ सके। यूजुअली होता क्या है, जिस भी स्टूडियो में आप पढ़ाना चाहते हैं या फिर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं वहां पर बाहर की आवाजें आती है, घर में ईगो क्रिएट होने लगता है। तो ये दो प्रॉब्लम, बाहर की एक्सटर्नल वॉइस और आपका जो ईगो क्रिएट हो रहा है वो हट जाए, इसके लिए आपको इस टाइप के स्टूडियो की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं साउंड प्रूफ स्टूडियो। जी हाँ, अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जिस स्टूडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं ये महाराष्ट्र की एक लोकेशन पे हमने ये स्टूडियो लगाया और इस स्टूडियो की खासियत ये थी कि ये एक ओपन हॉल था जहां पर बहुत सारी विंडोज थी। हमारा चैलेंज ये था कि यहां पर हमको दो स्टूडियोज बनाने हैं और सबसे बड़ी बात कम से कम स्पेस को यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि जितना बड़ा ये हॉल है वहां पर बाकी ऑफिस के स्टाफ या फिर टाइपिस्ट वीडियो एडिटर सबको भी बैठना था। तो हमें एक चैलेंज था कि हमें कम जगह में दो स्टूडियोज बनाने हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं हमने एक साइड कॉर्नर की जगह को सिलेक्ट किया। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यहां पर कोई भी वॉल नहीं है, मतलब कोई रूम बने नहीं है, तो हमको एक आर्टिफिशियल वॉल बनानी पड़ेगी। तो हमको हर तीन साइड पे, हमारे पास बैक साइड पर ही एक हैवी वॉल थी, बाकी तीनों साइड पे हमको आर्टिफिशियल वॉल बनानी थी। तो हमने क्या किया, हमने इन वॉल को भी साउंड प्रूफ बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर चैनलिंग करी। पूरे एक चैनल से लोहे की केज का एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर के बाहर तरफ पे हमने एक शीट लगाई, साउंड प्रूफ शीट लगाई। उसके बाद अंदर की तरफ शीट लगाने से पहले हमने यहां पर एक साउंड प्रूफ मटेरियल डाला, उसके बाद में बाहर हमने शीट लगाई। तो इस तरीके से ये तीन लेयर का स्ट्रक्चर रेडी हुआ। जी हाँ, अब आप एक बात सोच के देखिएगा कि अभी तो सिर्फ ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना है बट हमने साउंड प्रूफिंग की शुरुआत कर ली। ये दो सीमेंट की शीट के बीच में हमने एक साउंड प्रूफिंग मटेरियल डाल दिया। तो अब बारी आती है एक्चुअल साउंड प्रूफिंग की। तो साउंड प्रूफिंग का सारा काम हम इनसाइड किया। तो सबसे पहले हमने अगेन एक लोहे का केज बनाया, उस केज के अंदर साउंड प्रूफिंग मटेरियल डाला और इस पूरे रूम के अंदर हमने चारों साइड पर इस टाइप की ये शीट लगा ली। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है एकॉस्टिक गेट बनाने का। तो देखिए, ये जो गेट हमने बनाया है वो नॉर्मल गेट नहीं है जैसे यूजुअली हमारे घरों में होता है, ये गेट एक्चुअल में एकॉस्टिक गेट है। तो जब हम इस गेट को बना रहे थे दो प्लाई के बीच में हमने फिर साउंड प्रूफ मटेरियल डाला, उसके बाद में इस गेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया गया कि बाहर की आवाज अंदर और अंदर की आवाज बाहर ना जा सके। तो गेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गेट के अंदर हमने एक छोटा सा मिरर भी दिया है कि अगर इनसाइड कुछ क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन सी टीचर पढ़ा रहे, कौन सा शूट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो हमने यहां पर मिरर भी दिया होता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और हां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम स्टूडियो को बना रहे थे तो हमारा एक एम था कि इस पूरे स्टूडियो में कहीं पर भी एक भी वायर आउटसाइड ना दिखे कहीं से। जैसे अभी आप मेरा स्टूडियो देखोगे ना तो उसमें वायर फैली हुई दिखती है, बट हमारा एम था कि क्योंकि हमें कन्वीनियंट वे में किसी टीचर को, किसी क्रिएटर को एक स्टूडियो बना के दे रहे, तो हमारा गोल था कि वायर कहीं से कहीं ना दिखे। तो हमने जब ये पैनलिंग कर रहे थे, जब हम पूरा ये एकॉस्टिक का स्ट्रक्चर बना रहे थे, उसी समय हमने लाइट के पाइप, साउंड केबल के पाइप, इंटरनेट केबल के पाइप सभी प्रॉपरली डाल के रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हमने लाइट को कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमको बोर्ड लगाने हैं, स्विच बोर्ड लगाने हैं, सारी छोटी छोटी बातों पर डिटेलिंग होती है। हमने चारों तरफ से तो एकॉस्टिक कर ही लिया, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है छत की बात, ऊपर वाली छत की बात। तो यहां पर भी हमने 2x2 की साउंड प्रूफ सीलिंग शीट लगाई जिससे वॉइस
टकरा कर रिटर्न ना आए, वो वॉइस को एब्जॉर्ब कर ले। और ये सीलिंग शीट लगाने के साथ साथ यहीं पर हमने हमारे स्टूडियो के अंदर यूज होने वाली, क्योंकि हमारे टीचिंग स्टूडियो है इसलिए हमने ऊपर से प्रॉपरली लाइट का भी सेटअप कर लिया, क्योंकि जब टीचर कोई पैनल पे पढ़ाएगा तो अच्छे से लाइट आएगी। इसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या था ये फैक्टर, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम इस टाइप का पार्टीशन बनाते हैं तो आउटर साइड पे आप देखोगे कि पूरा कलर करने की जरूरत पड़ती है, पुट्टी भरने की जरूरत पड़ती है। तो हमारी टीम जाती है वहां पर, पूरे आउटर शेल पे हमने पुट्टी भरी और कलर किया। इसके बाद में स्टूडियो को और ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए हमने जो शीट लगाई थी उसे फिर से व्हाइट कलर के पेंट से पेंट किया, ताकि और ज्यादा स्टूडियो का ब्यूटिफिकेशन हो। तो पेंटिंग हो गई, हमने वॉल सीलिंग लगा दी, अब सब कुछ हो चुका था। बट अभी एक चीज की कमी थी, क्या वो है, कारपेट। यहां पर अगेन हमने वो कारपेट यूज किया जो एक्चुअल में साउंड को अच्छा खासा एब्जॉर्व करता है, तो हमने वहां पर प्रॉपर लेवल का कारपेट यूज किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर्पस के लिए स्टूडियो बनाता है, यहां पर बैक साइड पे हमको लगाना था पैनल। अब देखिए, इस टाइप के एकॉस्टिक शीट के ऊपर पैनल लगाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, तो उसके लिए भी हमारे पास में स्पेसिफिकली फॉर्मूला होता है जिस तरीके से इस शीट को लगाया जाता है। तो हमने पूरी प्रॉपर वॉल बनाई और उसके बाद में इस 75-80 kg के पैनल को हमने हैंग किया। तो पहले यह स्टैंड लगाया, लगाने के बाद में हमने हमारे अकॉर्डिंग, या बात करें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो बेस्ट पैनल होता है उस पैनल को हमने इस स्टूडियो में इंप्लीमेंट किया। प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर हम किस तरीके से पैनल हमने निकाला है और लगाया है, और लगाने के बाद ये कितना ब्यूटीफाइड लग रहा है। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैमरा। तो 4K PTZ कैमरा हमेशा से मैं रिकमेंड करता हूं, इस टाइप के स्टूडियो में भी 4K PTZ कैमरा बहुत अच्छा वर्क करता है। पर यहां पे आपने देखा होगा कि हमने कैमरे के साथ में लगा दी है कमेंट पढ़ने वाली स्क्रीन। क्यों? क्योंकि जब भी आप एज अ टीचर कोई भी कमेंट आता है तो आप इधर उधर ऐसे देखते हो, जो कि मुझे लगता है अच्छा नहीं है। अगर आप सीधे कैमरे में देखोगे, कैमरे के ऊपर देखोगे, तो प्रॉपरली आपको ऐसा लगेगा कि आप कमेंट भी पढ़ रहे हो पर आप कैमरे में देख रहे हो। तो इसलिए हम इस टाइप के सेटअप के अंदर ये सारी चीजों का, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर एक ऐसे कंप्यूटर की जरूरत थी जिसमें हम प्रॉपर 1080 60 FPS पर लाइव जा सके, रिकॉर्डिंग कर सके, और जरूरत पड़ने पर वहीं पर बैठ के एडिटिंग करे। तो हमारी टीम ने प्रॉपरली वहां पर सिस्टम का सेटअप किया। एक इंटीरियर का ध्यान रखते हुए हमने प्रॉपरली वहां पे हर एक चीज के कलर कॉम्बिनेशन का तक ध्यान रखा कि व्हाइट के साथ में ग्रे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है, और व्हाइट टेबल रहेगा तो और भी ज्यादा ब्यूटीफाइड होगा। और हाँ, जब आप स्टूडियो बना रहे होते हो तो हमें पता है कि इस स्टूडियो में कहीं से कहीं तक वेंटिलेशन नहीं होता, इसलिए यहां पे एसी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम जो रिकमेंड करते हैं एसी, साइलेंट एसी, और इसको लगाने के लिए भी। अब यहां पे अगेन वही चैलेंज कि इसको लगाना है एकॉस्टिक शीट पर जो बहुत लाइट वेट होती है, उसको कैसे लगाया। तो उसके लिए भी स्पेसिफिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वहां पर एसी की इंस्टॉलेशन की गई। ये सारी चीजें करने में आपको लग रहा होगा काफी समय लगा, तो ये मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हमने ये स्टूडियो रेडी किया पहला। उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं हमारे हेड ऑफिस इंदौर से महाराष्ट्र ट्रेवल करे, इवन मैं बात करूं पेंटिंग, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, हर एक इंसान को वहां पर जाना पड़ा, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ा। देखिए, ये पूरा काम एक टीम वर्क की तरह है। यूजुअली जब भी हम इस टाइप के स्टूडियो सेटअप करते हैं तो हम पूरी प्लानिंग के साथ में करते हैं। पहले हम लोग ड्राइंग इंजीनियर्स को दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर एक कस्टमर के साथ में डिस्कशन होता है। कस्टमर डिस्कशन करने के बाद में मैं उनको एक प्रपोज देता हूं कि भैया इतनी साइज का आपको स्टूडियो बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक प्रोसेस के तहत होती है, तब जाके इस टाइप का एक अच्छा स्टूडियो बनता है। अभी भी हम इस स्टूडियो में काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ देखो, मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया, स्टूडियो बना दिया, सब कुछ कर दिया, यहां से काम शुरू होता है। अब भी जब भी उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी हमें अवेलेबल होना पड़ेगा साउंड सेटिंग के लिए, पैनल सेटिंग के लिए। इवन मैं बोलता हूं कि अभी भी अगर हमको ऐसा लगता है लाइट कम लग रही है तो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा कि हम नीचे से भी लाइट देंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए पूरे इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, एक नंबर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगर आप भी चाहते हो ऐसा स्टूडियो बनाना हमसे बना सकते हो। इस टाइप का स्टूडियो क्यों बनाया, इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती, तो मैं आपको अप्रॉक्स बताऊं कि हमने ये 10x12 का रूम बनाया है और इसकी कॉस्टिंग आप मान के चलो सिर्फ एकॉस्टिक की, देखिए मैं पैनल कैमरा इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पैनल और कैमरा इसकी प्राइस अलग है, बट जो सिर्फ एकॉस्टिक की काम होता है इसमें आप मान के चलो 10x12 के रूम में कम से कम 3 लाख तक का खर्चा आता है। ये है खर्चा, क्योंकि देखिए जितना मटेरियल यूज किया गया है इंडिया की बेस्ट कंपनी का यूज किया है, केबलिंग से लेके लाइटिंग हर एक चीज प्रॉपरली डिसाइड करके जाती है। जैसे हमने पेंटिंग का एशियन पेंट यूज किया है, और मतलब इसी टाइप से हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों को मिलकर बनता है पूरा स्टूडियो। इसके अलावा बात करें पैनल की कॉस्ट, कैमरा सिस्टम, तो यार ये सारी चीजें हम लोग खुद इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जब एक पूरा सॉल्यूशन आप एक ही जगह से लेते हो तो पूरी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं और उसे बेटर करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि चैलेंजेस हमें भी
उतने ही आते हैं जितने आपको आते होंगे, बट हम क्योंकि एक सभी लोग एक ही लोकेशन से आते हैं तो सर्विस लेवल पे चीजें काम को इंप्लीमेंट करना और वो सारी चीजें करना मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ। और ये स्टूडियो दर्शाता है कि हमारा काम क्या है। लगता अक्सर लोग कहते हैं कि टीम नहीं तो सर्विस कैसी, ये बेवकूफी भरी बातें हैं। इतना बड़ा स्टूडियो शायद तक उन्होंने कभी ना बनाया होगा इस टाइप का स्टूडियो, ये कहने की बातें हैं। तो आप इस बात को समझिएगा कि अगर आप भी ऐसा स्टूडियो बना रहे हैं तो स्टूडियो की जो मैंने स्टेप्स बताई इसको नोट डाउन करिए, समझिए। अगर आप सिर्फ मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके कंसल्टिंग भी मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और हो सके तो किसी नीडी इंसान को ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।